यूपी में थम नहीं रहा है महिला अपराध। मुरादाबाद में 16 साल की लड़की को पेड़ से लटकाया। 11वीं की छात्रा का पेड़ से लटका मिला शव। ठाकुरद्वारा तहसील के राजीपुर मिलक गांव की घटना। कल से लापता थी छात्रा, परिवार वालों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई। यूपी के बदायूं में सामने आया गैंगरेप का एक और मामला। एसपी विधायक की कोठी पर गैंगरेप का आरोप। 23 अप्रैल से गायब थी नाबालिग लड़की, आरोपी उसे लेकर दिल्ली और चंडीगढ़ गया, बाद में विधायक की कोठी पर लेकर आया। आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल, एसएसपी ने कहा बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। बदायूं गैंगरेप कांड में सीबीआई ने आज दर्ज किया केस, कल बदायूं जाकर जांच करेगी सीबीआई। डीआईजी की अध्यक्षता में 20 सदस्यीय टीम करेगी जांच, साथ में होंगे फॉरेंसिक एक्सपर्ट। सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा का बयान, नोटिफिकेशन हो गया है जारी, सीबीआई करेगी जांच। भारत सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है और हम लोगों ने वो केस का अनुसंधान अपने हाथों में ले लिया है। मुझे इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करनी है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में कुछ दिशा निर्देश दिए थे और उसका अनुपालन हो गया है और उसके अलावा मुझे इस संबंध में कोई। एक दिन पहले हमीरपुर में 4 पुलिस वालों पर लगा गैंगरेप का आरोप, थाने में पीड़ित महिला को बनाया शिकार। हमीरपुर के भरुआ सुमेरपुर थाने में हुई घिनौनी वारदात, एक दारोगा गिरफ्तार, 3 आरोपी सिपाही फरार। पीड़िता का आरोप पति को छुड़ाने गई थी थाने, उसी दौरान पुलिस वालों ने किया रेप। पीड़िता के मुताबिक पुलिस वालों ने उससे मांगे 20,000 रुपए, घूस न देने पर उसके साथ रेप किया गया। यूपी के डीजीपी और प्रमुख सचिव केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले, कानून व्यवस्था पर हुई बात। यूपी में लगातार बिगड़ती जा रही है कानून व्यवस्था। बहराइच में पेड़ से लटकी मिली महिला की लाश। यूपी में थम नहीं रही रेप की घटनाएं। मुजफ्फरनगर के दुलहरा गांव में एक महिला से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला। 11 युवकों ने महिला से किया गैंगरेप, 3 जून की वारदात, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। यूपी के डीजीपी ने कबूला, यूपी में बढ़ गई है अपराध की घटनाएं, कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। यूपी में बढ़ते वारदातों के बीच अखिलेश यादव सरकार की छवि बनाने की कोशिश में, दिल्ली के 5 सितारा होटल में करेंगे विदेशी निवेशकों से मुलाकात। दिल्ली के वसंत कुंज में एक महिला के साथ गैंगरेप, चलती कार में 3 लोगों ने बनाया शिकार। गैंगरेप के 3 आरोपी गिरफ्तार, नांगल देवाद गांव के हैं 3 आरोपी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील को भेजा नोटिस, 16 अगस्त तक हाजिर होने को कहा। अखबार में दोनों की छपाई फोटो, दोनों के खिलाफ आईपीसी और मकोका की धाराओं के तहत कई मामले हैं दर्ज। हिमाचल के मंडी में ब्यास नदी में 7वां शव बरामद किया गया। ब्यास नदी में डूबे थे 24 छात्र, 17 छात्रों का अब तक पता नहीं, छात्रों की तलाश में नेवी को भी लगाया गया। मध्य प्रदेश के भिंड में पूर्व विधायक के भाई और भतीजे ने एसडीएम पर किया जानलेवा हमला, रेत के डंपर पकड़ने पर एसडीएम को पिस्टल की बट से पीटा। बिजली पानी को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, खाली मटका लेकर सड़क पर उतरे लोग। 10 दिल्ली का मेहरौली बदरपुर रोड किया जाम, सरकार से मांगा बिजली पानी। उत्तर भारत में बढ़ सकता है बिजली संकट, 21 पावर प्लांट्स के पास केवल 4 दिन का कोयला शेष। 15 पावर प्लांट के पास केवल 7 दिन का कोयला शेष, उसके बाद नहीं है प्लांट के पास कोयले का स्टॉक। कोयले की कमी के चलते उत्तरी ग्रिड फेल होने का खतरा, कोयले की कमी से ऊर्जा मंत्रालय की चिंता बढ़ी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने एनटीपीसी के साथ बैठक की, कोयला सप्लाई और बिजली संकट पर हुई बात।
बैठक में ऊर्जा सचिव भी मौजूद, एनटीपीसी के अधिकारियों से जाना ताजा हाल। बिहार में बिजली कमी के चलते कई नेता पहुंचे दिल्ली, केंद्र सरकार से मिलकर मांगेंगे सहयोग। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बिहार सरकार को ठहराया जिम्मेदार, कहा खराब बिजली वितरण के चलते हुई है बिजली की कमी। दिल्ली वालों को बिजली कटौती से मुक्ति दिलाने के लिए ऊर्जा मंत्री ने आधी रात को किया दौरा, कई इलाकों में औचक निरीक्षण। औचक निरीक्षण के लिए पीयूष गोयल ठीक रात 12 बजे अपने घर से निकले, कहा काम दुरुस्त करने का सबसे अच्छा तरीका बिना बताए पहुंचकर खबर लेना। हमारे कर्मचारी भाई बंधु रात भर काम कर रहे हैं, मैंने आदेश दिया था 24 घंटे काम चले, तो मुझे लगा अच्छा रहेगा हम सब भी थोड़ा उनका हौसला बढ़ाएं, उनको हिम्मत दें कि अच्छा काम कर रहे हैं, देश की सेवा कर। गोयल को बवाना का दौरा करना था लेकिन वो पहुंचे महारानी बाग गाजीपुर पावर लाइन, यहाँ चल रहे निर्माण कार्य का लिया जायजा। 12:30 बजे पीयूष गोयल का काफिला मयूर विहार जेंदी होता हुआ यमुना किनारे पहुंचा, यहां महारानी बाग गाजीपुर के लिए अल्टरनेट लाइन बनाने के काम का लिया जायजा। पीयूष गोयल ने खिलावा इस लाइन के निर्माण का काम तो महीनों का है लेकिन वो 10 दिन में करा देंगे पूरा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि 15 दिन में जिस प्रकार का कोऑपरेशन और जिस प्रकार का एंथुजियाज्म मैं अपने टीम में देख रहा हूँ कि पूरे देश में भी 24 घंटे सातों सात दिन बिजली मिले, वो यही अफसर जैसे गुजरात में इन्हीं अफसरों ने किया था वैसे ही देश में भी यही अफसर करके देंगे। दौरे के दौरान पीयूष गोयल ने अधिकारियों का हौसला भी बढ़ाया, साथ ही दावा किया कि अगर काम ऐसे ही हुआ तो पूरे देश में 24 घंटे बिजली की मोदी का सपना भी पूरा हो जाएगा। बिजली कटौती से परेशान दिल्ली वालों को ऊर्जा मंत्री ने दिया था भरोसा, 10 से 15 दिन के भीतर दुरुस्त हो जाएगी सभी लाइन्स। दिल्ली में आज छिटपुट कटौती को छोड़कर नहीं गई बिजली, ज्यादातर इलाकों में मेहरबान रही लाइट। मुंबई की कैंपाबोला सोसाइटी के फ्लैट खाली करने की आज आखिरी म्याद, शाम 5 बजे तक खाली करने की म्याद। फ्लैट खाली कर बीएमसी को सौंपनी होगी चाबी, फ्लैट खाली न करने वालों के खिलाफ बीएमसी करेगी कार्रवाई। कैंपाबोला सोसाइटी में 96 फ्लैट दिए गए हैं अवैध करार, लोगों की अपील पीएम का खल दे। मोदी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हम सीनियर सिटीजन हैं, आपने कहा था आप प्लीज हमारी तरफ देखिए। नाउमीदी में ज्यादातर लोगों ने पैक कर लिए हैं अपने सामान, सुप्रीम कोर्ट ने दिया अवैध फ्लैट खाली कराने का आदेश।